<esta> <zeroes> दोस्तों बिटमिनस टेस्ट में आज हमारा जो टेस्ट है वो है ब्यूटमिनस फ्लोर टेस्ट इस सीरीज़ में हम आज बुटोन फ्लोर टेस्ट के बारे में जानेंगे कि ब्यूटमिन फ्लोर टेस्ट क्या होता है और क्यों इसे यूज किया जाता है तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जो ये ब्यूटनस फ्लोर टेस्ट होता है ये तब यूज होता है जब पैनीटेशन एंड विस्कोटी टेस्ट यूज न हो तो इसमें कुछ नहीं है इस टेस्ट में एक कंटेनर होता है और उस कंटेनर में वाटर फिल किया जाता है ये हमारा कोई कंटेनर है इसमें हमने इतना वाटर भर दिया और नीचे से एक फ्लेम जला दी जाती है आग हीटिंग के लिए जिससे कि इस वाटर का टेम्परेचर पचास डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहे और जो हमारा बिटवीन सैंपल है जिसका कि हमने हमें फ्लोट टेस्ट याद करना है उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो पाँच डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ये हमारा एलुमिनियम फ्लोट होता है जो कि नीचे से खोखला होता है यानी कि इसमें नीचे से एक ऑर्फिस टाइप का होता है जहाँ से वाटर हमारा अंदर फिल कर सके यहाँ पे एक इस टेम्परेचर को चेक करने के लिए थर्मोमीटर लगाया जाता है और आइए देखते हैं इस टेस्ट को कैसे किया जाता है सबसे पहले इस इस वाटर में हमें एल्युमिनियम फ्लोट को विटमिन सैंपल के साथ डुबोना है और उसके बाद क्या होगा कि ये वाटर अंदर फिल होगा तो जब ये वाटर अंदर जाएगा तो क्या होगा जितना इस वाटर को जाने में इस एल्युमिनियम फ्लोट के टॉप तक जितना टाइम लगा पूरा वाटर जाने में तो वो हमारा उस टाइम उस टाइम को उस टाइम की रीडिंग को नोट कर लेंगे यदि वो टाइम ज़्यादा है तो हमारा ये विटामिन क्या है ज़्यादा स्टीफ है और यदि वो टाइम कम लगा जल्दी इसमें फ्लोट के टॉप तक टॉप सरफेस सर्प तक पहुंच गया तो हमारा विटामिन स्टीप कम है यानी कि उस विटामिन की स्टीपनेस उतनी कम है तो देखिए जो फ्लोर टेस्ट होता है वो किस लिए यूज होता है वो होता है कंसिस्टेंसी ऑफ बिटमिन यानी कि जब हमें बिटमिन की कंसिस्टेंसी ज्ञात करनी होती है तो उसके लिए हमारा ये फ्लोर टेस्ट यूज होता है वेयर पेनिस्टेशन एंड विस्कोसिटी टेस्ट कैन नॉट बी यूज इसमें पेनिस्टेशन एंड विस्कोसिटी टेस्ट यूज नहीं होता है जब हमारा पेनिटेशन एंड विस्कोसिटी टेस्ट यूज ना हो रहा हो तो जो इसमें नॉट द टाइम टेकन बाई वाटर इंटरिंग इन बिटवीन एंड अपीयर ऑफ सरफेस यानी कि जो इसमें वाटर है या एलुमिनियम फ्लोट फ्लोट में जो वाटर अंदर अंदर रिफिल होगा उसके टॉप तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम नोट कर लेंगे इफ़ द मोर इस टाइम बताएँ आपको यदि टाइम ज़्यादा लगेगा तो वो बिटवीन हमारा उतना ज़्यादा स्टिप होगा इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ बिटमिन यानी कि जो ये हमारा सैंपल है ये जो हमारा बिटमिन सैंपल है इसका जो इसका जो इसका जो टेम्परेचर होगा वो इनिशियल में पाँच डिग्री होगा और जो वाटर का होगा वो पचास डिग्री होगा ये हमारे ये हमारी गाइडलाइंस हैं इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए रीडिंग द टाइम टेकन फ्लोट वाटर इन द टॉप सरफेस मतलब वो रीडिंग नोट कर लेनी है जिस रीडिंग जिस टाइम टाइम पे हमारा टॉप सरपेज तक वाटर पहुंच जाए धन्यवाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब